गुड वन, यू गो फर्स्ट। नहीं, मैं ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मुझे ज़्यादा अभी इसलिए नहीं मिले क्योंकि मैंने ज़्यादा लोगों को बताया नहीं, पर उसमें मज़े की बात यह है कि अचानक जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं वो ऐसे सरप्राइज कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, हमें पता ही नहीं था आप शो में हैं, अचानक आप शो में आ गए, आपने किसी को बताया नहीं। मैं रूपांतर कर रहा हूँ, एक किसी ने मुझे मैसेज भेजा जिसमें उसने कहा कि ये ऐसा लगा जैसे डिश डिश के ऊपर तड़का जो है वो आपका कैरेक्टर है। सो यू नो फॉर एन एक्टर दैट्स अ ग्रेट थिंग टू हियर कि यू नो किसी को लगे कि आपका फ्लेवर इतना इतना स्ट्रांग था कि उसने डिक्टेट किया प्रीटी मच द कोर्स ऑफ इवेंट्स। बट आई एम श्योर वाज अदर कॉम्प्लीमेंट्स द ब्यूटीफुल लेडीज वुड हैव गॉटन बिकॉज दैट्स व्हाट द शो इज अबाउट। बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई थिंक प्रोबेबली दैट when they read the book they imagined Rivana exactly like how it came on screen. So as somebody who's adapting a book, it was a big compliment that I did the character correctly. So I think probably that would be that's useful. Ab dono se jana chahungi ki is web series ke part kaise bane, kaise approach kiya gaya to the character? No, how did they make the show and how did they approach you for it? I was not approached. I auditioned with a big line of people in a room. And when I got the call about being shortlisted, I spoke to our wonderful showrunner, Mr. Goldibel, and we were sitting with the author as well, Mr. Novaneel Chakrabarty. And I got all the information about the story and the script, and I found it very interesting. And from then we went ahead with it. Yeah. Goldie के साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ एंड एक बहुत 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 दोस्ताना प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। और जब आप कुछ ऐसा कर चुके होते हैं जो सक्सेसफुल होता है तो दोबारा काम करने का एक मन होता है आपको, क्योंकि वो आपकी पिछली वाली मेमोरी एक बहुत सक्सेसफुल प्लेजेंट मेमोरी होती है। तो मैंने गोल्डी ने बुलाया और उन्होंने कहा ये कैरेक्टर एक्चुअली किताब में नहीं है और ये शो है जो हम किताब के ऊपर बना रहे हैं, पर किताब में ये कैरेक्टर नहीं है और ये कैरेक्टर मैंने सोचा है। और जब से मैंने सोचा है तो दो तीन चेहरे मेरी नज़र के सामने थे, उसमें से एक तुम्हारा था एंड मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो एंड या तो वो कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो और मैंने कहा पर गेस्ट अपीयरेंस है और आप क्या चाह रहे हैं। और उन्होंने जब मुझे उस कैरेक्टर के बारे में बताया और उसके डायनामिक्स बताए तो वो उसकी एक बोल्डनेस थी, एक स्ट्रेंथ थी जो मुझे लगा कि बहुत मज़ेदार होगी प्ले करने के लिए। और कभी कभार नंबर ऑफ सीन्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, उन सीन्स में उसकी कहानी बयां करना इंपॉर्टेंट होता है। और आई थिंक वो एक चैलेंज था और हमने बहुत मज़े से किया एंड आई थिंक जितनी चीज़ें मैंने आज तक की हैं उसमें ये शायद एक मुख्तलिफ अलग चीज़ रहेगी हमेशा। सबसे पहला थॉट क्या है जब ऑफर किया गया आपको? जब ऑफर आई डिडंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रोसेस इट, आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड एंड देन आई एक्सहेल्ड एंड देन वी स्टार्टेड रिहर्सल सो आई डिडंट हैव क्वाइट अ मोमेंट टू या नहीं मुझे तो सोचना इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसे करनी थी जो बेचारी मेरी जो टेलीविज़न ऑडियंस है वो देखकर काफ़ी झटका खाने वाली थी। बट वही मेरा इंसेंटिव था, इंसेंटिव इस बात का था कि आप एज एन एक्टर कुछ ऐसा करें जो आपने पहले नहीं किया, आप कुछ ऐसा दिखाएं जो आपने पहले नहीं दिखाया। और इस साल कुछ ऐसे ऑफर्स मिले मुझे जहाँ मैं वो वेरिएशन बहुत अच्छे से दिखा पाया। मैं स्टेज पर देवदास कर रहा था, मैं टेलीविज़न पर अघोरी कर रहा था, मैं एक और वेब सीरीज़ में एक पोएट का रोल प्ले कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं ये स्ट्रॉन्ग पावर गेम खेलने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट प्ले कर रहा हूँ। सो वो वेरिएशन दिखाने का मौका एक एक्टर को जब मिलता है तो हम लालची हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि ग्रीडी होकर मुझे ये करना है। दैट्स व्हाट इट वाज, दैट्स व्हाट द रिएक्शन वाज। आप दोनों जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसके बारे में जानना चाहूँगी, कितना चैलेंजिंग रहा और कितना मज़ेदार रहा? कितना चैलेंजिंग और कितना मज़ेदार? How challenging was it to be? How much did you enjoy? It was incredibly challenging to play Rivana because I am nothing like Rivana at all.
I don't make any of her decisions, and I don't agree with a lot of the things she's done, but I think it was a lot of fun to take my own head off of my body and try to understand Rivana completely. And by the end of the shoot, I was her and she was me, and it was quite an immersive, this thing, experience. No, I'm exactly like Kate. No, no, I'm not. Maybe I am. Maybe I'm not. Maza bahut aaya, because ek aisa character jo, jaise maine kaha, jiske scenes bahut kam hain, jise kahani mein add kiya gaya hai, jise jiske bare mein aise kaha jayega ki ye guest appearance hai, but you know, special guest appearance hai. उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या फ्लेवर लेकर आ सकते हैं, आप उस कहानी को कैसे एनहांस कर सकते हैं, उसके अलावा उन कम सीन्स में आप ऐसा क्या करेंगे जो पहले नहीं किया गया हो, या इस किस्म के रोल में ऐसी क्या नई चीज़ दिखाएंगे जो पहले ना देखी गई हो. और मेरा एक आइडिया था और वो मैंने गोल्डी के साथ शेयर किया, उनको वो अच्छा लगा और फिर हमने वही अप्रोच पकड़ी और हमने उसे एक पावर की गेम बना दी रादर देन एनीथिंग एल्स. एंड वो पावर की गेम वाला डिसीजन बनाने के बाद हमें एक सुर मिल गया कैरेक्टर के लिए, तो चैलेंजिंग भी था और एक्सपेरिमेंटल भी था, बट मज़ा बहुत आ रहा था बिकॉज आप लिटरली बहुत कम सीन्स में कुछ बहुत नया क्रिएट कर रहे थे. Preparation was reading all the books for me. I had to read all three to understand the arc of the story. So I did that. I had a lot of conversations with my director, Farooq Kabir, and our showrunner, Mr. Goldie Bell, about how we can take this character all the way through according to the novel. So for me, it was reading the books for sure. मैं तो इसकी preparation बहुत सालों से कर रहा हूँ. So जब आप ये show देखेंगे तब आपको मेरा ये जवाब समझ में आएगा. अगर मैं आपके सवालों के जवाब ऑनेस्टली देने वाला हूँ तो मेरी बहुत पिटाई होगी बाद में. I think a lot of young people can relate to Rivana, whether they are girl, boys, doesn't matter. There's an age in everybody's life when they have to start acting independently. And when you start acting independently, it's not always easy and you make a lot of mistakes and it's never a graceful growth. And I think for me, I went through that when I was 18 years old and I left my parents' home and I moved to New York City. But in that way, I can relate a lot to Rivana because it's, you're suddenly out of the nest and you're in the big bad world, and during that you fall and you get up and you make mistakes, and in that way I can completely feel for some of the things that happened to her for sure. Mere character se relate karna dangerous hai, isliye main ye kahunga ki aap pehle show dekh lijiye fir wapas aake mujhse sawal. I'm so sorry, I didn't hear the digital question. Medium is providing so many new opportunities for actors, and so what do you think about that new kind of avenue that's opened up? It's incredible. There are so many opportunities happening in India right now. I came at a really good time. There's auditions every single day for incredible stories, and they're varying across several different genres and platforms. So it's the best time to be an actor here, I think. काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ एंड मैंने हमेशा से थोड़ा हमेशा वही काम चुना जो मुझे एक्साइट, जो सुनने में एक्साइट किया जिसने मुझे. मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि ये रोल क्या मैं देखना चाहूँगा, अगर इस रोल का मैं व्यूअर होना चाहूँगा तो ही मुझे हक है कि मैं अपनी ऑडियंस या अपने फैंस को कहूँ कि आप ये शो देखिए. अगर मैं खुद देखना चाहूँ तो ही मैं उनसे कहूँ. और मैंने हमेशा यही सोच के अपने रोल्स चुने. कभी कभार वो टेलीविज़न पे बिल्कुल फैमिली ड्रामा वाले रोल्स चुनते वक्त भी मेरा ट्रैक नॉर्मल वाला नहीं है इसलिए चुना. और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो वेरिएशन दिखाना या वो वैरायटी करना या आज तक जो आपकी इमेज बनी है उसे तोड़कर कुछ नया करने का जो मौका है वो पहले नहीं था और अब है. एंड सो इट्स अ रिफ्रेशिंग चेंज. इट्स
इट्स अ वेलकम चेंज. इट्स इट्स समथिंग दैट वाज नीडेड बिकॉज अदरवाइज हमारा जो एंटरटेनमेंट था उसका सुर बहुत बंद गया था और उस किस्म की प्रोग्रामिंग बहुत बंद गई थी और बहुत सारी हमारे यहाँ की ऑडियंस सिर्फ फॉरेन टेलीविजन देख रही थी उस किस्म के एंटरटेनमेंट के लिए. नाउ दैट इज बीइंग मेड हियर वी हैव इंडियन कंटेंट दैट केटर्स टू दिस ऑडियंस. तो एक बल्क ऑडियंस जो है वो अब एक किस्म का एंटरटेनमेंट देखती है, एक दूसरी किस्म की ऑडियंस दूसरा किस्म का एंटरटेनमेंट देखती है, एक अर्बन ऑडियंस दूसरे किस्म का एंटरटेनमेंट देखती है. एंड आई थिंक सबके लिए अलग अलग किस्म का कंटेंट होना ही यू नो नीड ऑफ द आवर. एंड आई एम रियली थ्रिल्ड दैट इट्स हैपनिंग. टेलीविजन से वेब कितना अलग होता है, इसमें काम करना कितना डिफिकल्ट या इजी होता है? एक एक्टर के लिए ज्यादा कुछ मतलब मेरे जैसे एक्टर के लिए ज्यादा कुछ अलग नहीं होता. मैं उसी अप्रोच से जाता हूँ. ये समझना ज़रूरी होता है कि हमारी ऑडियंस कौन है. मैं कितनी अंग्रेज़ी में बात करूँगा, मेरा अगर कैरेक्टर में स्टाइल है तो उस स्टाइल का फ्लेवर कैसा होगा, अगर मैं किसी एक सामाजिक तबके को बिलोंग करता हूँ तो उस तबके की धारणा क्या होगी, उसकी ओपिनियंस क्या होंगी, मेरे लिए अच्छा या बुरा क्या होगा, ये उस ऑडियंस पर डिपेंड करता है जो उस किस्म का शो देखती हो. बस यही एक वो बात है जो समझनी होती है कि मैं आज एक टेलीविजन शो कर रहा हूँ और ये टेलीविजन शो देखने वाला ऑडियंस ये है, और आज मैं एक किसी और प्लेटफॉर्म पे कुछ कर रहा हूँ और इसकी ऑडियंस ये है, तो मैं सेम बात को कैसे उनके लिए अडेप्ट करूँगा. अदरवाइज मेहनत वाइज, प्रिपरेशन वाइज, पैशन वाइज या उसमें इमर्स होने की जो बात है वो बराबर होनी चाहिए. वो मीडियम को देख कर कम या ज़्यादा या पर्दे के साइज़ को देख कर आपकी मेहनत का साइज़ नहीं होना. I'm going to be honest. Okay. I had a delightful time working with him. Very honestly speaking, he's a very obviously well-known actor in India, and more than that, he's an intelligent actor. He thinks about not just himself but the person in the scene. He thinks about everyone around him, and that's a treat to work with. And quite, you know, I got pretty lucky. Yeah. Good. The other treat is now due. But you can still be honest, it's okay. I was very pleasantly surprised with her. So maine suna tha ki you know hamare show mein ek actress aayi hain, wo America se aayi hain, unhone wahan kuch stage aur theater kiya hai aur wo ab ye role India mein play kar rahi hain. And stage karne wale actors ke sath kyunki meri background wahi hai to ek mujhe ummeed thi unse. But I was still even more pleasantly surprised by how effortlessly adapted she was to the circumstance of what we were doing here. For a young actor, you know, ya to aap thode se lost hote hain because aapke liye naya hota hai, ya aapke you know wo sapne aap par haavi ho gaye hote hain, to aapke dimag mein bahut strong opinions hoti hain ki aap kya karna chahte hain kya nahi karna chahte. Abhi tak reality ne aapko thappad nahi mara hota ki you know aap aisa soch rahe hain par script mein waisa nahi hai, aap aise sur mein baat karna chahte hain par aapke character ke hisab se waisa nahi hai. For her, I thought that she was the right mix of being spontaneous, getting directed, and at the same time doing it like this is who she is. मुझे पता था पहले दिन ही कि ये character इनसे completely अलग है, and yet when you see her on screen ऐसा नहीं लगता, and that I think is thank you. No, I'm not just returning the compliment. Mm-hmm. That's true. I've been saying that to other people. So you know, for a young actor, that's a great thing. And congratulations. Oh, thank you so much. कुछ ऐसे moments जो shoot के दौरान funny हुए. Funny on this show. We had that shift. Yeah, I know that crazy shift. Yeah. We had a crazy shift. It was like half night, half day, and everybody was a little. हाँ, मतलब हमने एक शाम को शुरू किया और अगले दिन कहीं एंड किया और उसके बीच में कुछ इतने अजीब दो तीन सीन कर लिए कि हम सब थोड़े से लॉस्ट हो गए. ऐसा लगा स्पेस ट्रैवल किया है. थोड़ा सा स्पेस ट्रैवल वाले जेट लैग थे हम.
एंड इट फेल्ट वेरी वियर्ड जब उसके बाद अगले दिन दोपहर को, बीच दोपहर को शूट खत्म हुई और समझ में नहीं आया कि अब ये दिन शुरू करें या खत्म करें या घर जाके अब सोएं या क्या करेंगे लंच या आई नो इट वाज सो ऑड वी हैड प्रीटी फनी कन्वर्सेशंस दैट डे यू एंड आई वो सब थोड़े से ड्रंक विद वर्क थे सो वी हैड गुड फन यस अभी तक आई हैवन दिस इज द फर्स्ट थिंग आई हैव डन आई डोंट रियली थिंक अबाउट व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर आई वांट टू प्ले आई जस्ट वांट टू प्ले कैरेक्टर्स आई एम ओपन टू लर्निंग अबाउट न्यू पीपल एंड या आई थिंक मे बी अ नेगेटिव लीड वुड बी फन आई एम नॉट आई आई वांट टू ट्राई एवरीथिंग या जब आप उतने वक्त से काम कर रहे हो जितने वक्त से मैं कर रहा हूँ तो एक टाइप कास्टिंग हो जाती है एक स्लॉटिंग हो जाती है आपको एक किस्म के रोल्स बार बार मिलने लगते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि आप वो रोल्स अच्छे निभाते हैं और वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं इसलिए लोग आपको बार बार रिपीट मोड पर वो रोल्स ऑफर करते हैं तो मैं अब उस स्टेज पर हूँ जहाँ पर अब मैं जो मुझे सुनने में सबसे अतरंगी लगता है मैं वो करता हूँ सो मुझे पता नहीं मैं नेक्स्ट क्या करूँगा बट लाइक आई सेड ये पिछले साल का जो वेरिएशन है उससे मैं काफ़ी खुश हूँ एंड मैं ऐसे चैलेंज देता हूँ कि कोई और करके दिखा सकता है तो दिखाए बट जोक्स पार्ट दी यू नो एज लॉन्ग एज इट्स न्यू एंड एक्साइटिंग समथिंग दैट मोटिवेट्स यू टू गेट अप एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड यू नो गो टू वर्क इज व्हाट इट शुड बी सो दैट्स व्हाट इट इज हाँ आई एम डूइंग ए रोल इन ब्रोकन बट ब्यूटिफुल सीजन टू विथ विच इज़ ऑन ऑल्ट बालाजी एंड नाउ जी फाइव एज वेल अघोरी इज ऑन जी सो यू कैन वॉच इट ऑन जी फाइव एंड देर इज समथिंग दैट वी आर स्टार्टिंग अगेन जो हमने पिछले साल शुरू किया था विच इज़ अ फिल्म दैट वी स्टार्टेड शूटिंग इन उत्तर प्रदेश दैट वी विल प्रॉबली रिज्यूम दिस ईयर इट हैज़ टू बी शॉट इन द विंटर्स The whole story is a winter tale, so it has to be done at that point of time. But as and when they get the dates of everyone else is when we'll announce them. And lastly, how many fans, viewers, camera, something like that? Fans. Yeah. Viewers. Yeah, of course, watch the show. You know, it's a really thrilling tale, but more than that, it's incredibly relatable. I think there's pieces of everybody in all of the characters. And it's a wild ride, and it's bingeable, and it's fun, and it's free, so you should watch it today, right now. नहीं, आप सब लोग जो एक बहुत अच्छा बना हुआ, हम बहुत सारे वेस्टर्न सीरीज के बारे में ये बात देख के कहते हैं कि you know, इस टाइप के शोज हमारे देश में नहीं बनते. ये, this is one of those, a genuine Indian product, जो एक बहुत अच्छा थ्रिलर है. इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर, इट्स गॉट इट्स एलिमेंट्स. इट्स आप एक बार देखना शुरू करेंगे तो आप शायद रुक नहीं पाएंगे. तो जब आप देखना शुरू करें तो थोड़ा वक्त रखिएगा अपने exactly. पास. एंड लाइक शी सेड फ्री है तो देखिए और लोगों को बताइए और देखकर और लोगों को बताकर फिर वापस हमें ज़रूर बताइएगा कि सबको कैसा लगा. थैंक यू.